उस देश की यदि हम मूल निवासी हैं तो मूल निवासी का कुछ हक भी है, मूल अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। सरकारी नौकरियां विभिन्न प्रकार से काटते काटते 80% समाप्त की जा चुकी है। अब जो संस्थान बचे हुए हैं, चाहे वह राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, निजीकरण के माध्यम समाप्त किए जा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से वर्तमान सरकार का विरोध करता हूं और ये मांग करता हूं कि पिछले 6 वर्षों से लोकसभा में लंबित 117वां संविधान संशोधन बिल जो प्रमोशन से संबंधित है उसे पास किया जाए। कलुरा के साधु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब वी आर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज से इस हल्लाफोल महारैली में उपस्थित परम सत्य राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आर पी सिंह अम्बेडकर साहब, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री उद्धव प्रसाद जी, एबीएसएस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय एम पी सिंह साहब, पूरे देश से आए हुए तमाम संगठनों के पदाधिकारीगण, आप सभी को सादर जय भीम नमो उठाए। साथियों, आज का ये जो हल्ला बोल महारैली का आयोजन हुआ है, इसका कुछ कारण है। देश में लगातार उत्पीड़न की घटनाएं, चाहे वह शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस देश की यदि हम मूल निवासी हैं तो मूल निवासी का कुछ हक भी है, मूल अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। सरकारी नौकरियां विभिन्न प्रकार से काटते काटते 80% समाप्त की जा चुकी है। अब जो संस्थान बचे हुए हैं, चाहे वह राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, निजीकरण के माध्यम समाप्त किए जा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से वर्तमान सरकार का विरोध करता हूं और ये मांग करता हूं कि पिछले 6 वर्षों से लोकसभा में लंबित 117वां संविधान संशोधन बिल जो प्रमोशन से संबंधित है उसे पास किया जाए। इस देश में सबके लिए एक समान शिक्षा कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार में पड़े 40 लाख पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। साथियों, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है इसका प्रभाव तभी दिखेगा जब ये हमारी सारी समस्याएं लोगों के जन जन तक जाए, ये जन का आंदोलन बने। जिस दिशा में जहां जहां आरक्षण है वहां हमारी थोड़ी भागीदारी रहती है, लेकिन जहां कुछ नहीं वहां कुछ भी नहीं है। और यदि हमें परेशान किया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह जो समाज है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो सबसे पहले हमें उनके जो आर्थिक स्तंभ आर्थिक मजबूती है उस पर जोर मारना पड़ेगा, उस पर जोर का धक्का मारना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है व्यवसायिक क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में आना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन है तो मैं अपने भोजनों का प्रोडक्ट खरीदेंगे, भोजनों का प्रोडक्ट बेचेंगे, उस प्रकार की मार्केटिंग करेंगे। साथियों, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पिछले दिनों यह तय किया था कि विभिन्न जनपदों में भीम बाजार खोले जाएंगे, लेकिन उसके तहत जो है अभी तक उसका संचालन नहीं हो पाया। बनारस के साथियों ने इस दिशा में काम किया, भीम मेगा मार्ट खोला, भीम मेगा मार्ट के माध्यम से वहां पर व्यवसाय शुरू हो गया। मैं पूरे देश के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप जिस भी स्थिति में हो, छोटी दुकान बड़ी दुकान खोलें, भोजन के लोग बाजार से सामान खरीदें। यदि यह सामान अपने यहां से खरीदेंगे तो उसका दोहरा दोहरा फायदा आपका होगा। पहले तो हमारा विरोधी आर्थिक रूप से कमजोर होगा और आपका जो समाज होगा वो लगातार आर्थिक रूप से मजबूत होता जाएगा। इन क्षेत्र में कंपटीशन नहीं है, आप इस मैं कहूंगा इसमें आप लोग आगे आवें और लगातार इस क्षेत्र पर कब्जा करें, चाहे प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, चाहे ठेकेदारी का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, सभी जगह पर आपको आने की जरूरत है। और बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ करके देखिए। अब समय पढ़ने पढ़ाने का नहीं रह गया है, अब आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। हर काम में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क लेने की आप आदत डालिए। अगर रिस्क लेकर आप दो कदम आगे बढ़ते हैं, कभी खतरा होता तो एक कदम पीछे भी पड़ेंगे तो भी आपको एक कदम फायदे का एक कदम का फायदा होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।